नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग की खबरें सुपर फास्ट में। खबरें सुपर फास्ट के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लूम डेल, बुधिया बगान, आईएसएम कुंदाग, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरिज प्राइवेट लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं द्वारा विज्ञान और सृजनशीलता में रुचि दिखलाना तकनीकी के लिए अच्छी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय और राज्य कर रहे हैं काम। बाहर से आने वाली यात्रियों की हो रही है विशेष स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व सांसद सुनील महतो की शहादत दिवस पर किया उन्हें सत सत नमन। बजट में बेरोजगार स्नातकों को 5,000 और पीजी छात्रों को 7,000 रुपए सालाना सहयोग राशि देने की घोषणा। 86,370 करोड़ के झारखंड के बजट को विपक्ष ने बताया फिजूल। जल संसाधन विभाग के बजट में भारी भरकम कटौती, 912 करोड़ से कुछ अधिक है इस बार का प्लान। 1,000 करोड़ की हुई कटौती, 50 मध्यम स्तर की योजनाएं होंगी पूरी। 172 से अधिक मदरसों को अनुदान दिए जाने का रास्ता हुआ क्लियर, स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। पूरे राज्य में खोले जाएंगे 372 दाल भात केंद्र, तत्कालीन मंत्री मथुरा महतो के समय की गई थी 5 रुपए में दाल भात देने की योजना की शुरुआत। झारखंड के लोगों को अब 100 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली, 100 यूनिट के बाद देना होगा बिजली बिल। अब एपीएल परिवारों को भी मिलेगा सशर्त आयुष्मान भारत योजना का लाभ, एपीएल को दुधारू गाय योजना से भी जोड़ने की योजना। पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, पोशाक के लिए मिलेंगे 2700 रुपए। विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायतों में 5-5 ट्यूबवेल अथवा बनेंगे 5 कुएं। जापान ओलंपिक पर छाया कोरोना वायरस की काली परछाई, टल सकती है तिथि। T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व कप में भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से। रांची के हुनर हाट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, कई राज्यों की कला और स्वाद से लोग हो रहे हैं रूबरू। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।